हर सुंदर साहित के लिए सुनहरा अवसर है इस जागने लीला में कि वह अपनी आत्मा के चक्षुओं को खोले और प्रतिदिन राज्य के नेत्रों की तरफ देखे, नर्क से सिख तक पूरे श्रृंगार को देखे और उस शोभा को अपने धाम हृदय में बसा ले। लेकिन यह सुख तो सागर श्रृंगार की वाणी के अवतरण से मिला। जब तक सागर और श्रृंगार की वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, तब तक राज्य आड़िका लीला करके सुंदर साथ को केवल संतोष देते रहे। जैसे जब श्री देवचंद जी की अर्धांगनी का धाम गमन होने को हुआ तो राज्य ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि राजी ऐसे नहीं चलेगा, आप मुझे अकेले क्यों दर्शन दे रहे हो, हर सुंदर साथ को दर्शन दीजिए। वाणी में कहा है अचरा पकड़ पी दुखलाव से, राजी का आंचल पकड़ कर कहा था कि नहीं, केवल मेरे दर्शन से आप चाहोगे तो मुझे संतुष्टि नहीं हो सकती है, आपको सबको दर्शन देना पड़ेगा। और यही हुआ, राजी ने एक एक सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, सबने इन नयनों से दर्शन किया। यह दर्शन तो हुआ, लेकिन आत्म जागृति के लिए कसौटी होती है कि हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाए और हम परम धाम में अपनी परात्म को भी देख लें। अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसाना है। आंखों से जो दर्शन होता है वो आवेश लीला का दर्शन होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि एक चिंगारी लगा दिया जाए ताकि वह आत्मा राज्य के प्रेम में डूब जाए। आप आगे भी तक में सुनेंगे, श्री जी बंगला जी में जब चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ उनको जिस रूप में चाहता है, जाको दिल जिन भाव सो तासो मिले तिलविद मन जाया स्वरूप हो के कारज की सबसे, जिसके दिल में जैसी भावना होती है राज्य उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। कोई कृष्ण के रूप में देखना चाहता है उसको कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं, कोई परम धाम के युगल स्वरूप में देखना चाहता है उसको परम धाम के युगल स्वरूप के में दर्शन देना देते हैं, कोई सदगुरु धनी सिंह देवचंद जी के रूप में देखना चाहते हैं तन मिहराज का है, राज्य का आवेश स्वरूप उनकी भावना के अनुसार वैसा रूप धारण कर लेता है और उनको दर्शन देता है, ताकि इन सुंदर साथ को विश्वास हो जाए कि हम परम धाम की आत्मा है, और इस विश्वास से एक असंभव से कार्य को संभव कर दिया। क्योंकि इन इंद्रियों से उपनिषदों में कहा है न एनम देवाह अपनुवन, आंखों से अक्षरातीत को नहीं देखा जा सकता, लेकिन राज्य प्रकृति की सारी नियमावली को तोड़ इसलिए रहे हैं कहीं कहीं कि सुंदर साथ की आत्मा किसी तरह से जागृत हो जाए, विश्वास तो हो जाए सबको कि मैं परम धाम की आत्मा हूं। इसलिए हृदय में विकार भी रहता है लेकिन भाव यदि है प्रेम है तो राज्य ऐसी लीला कर देते हैं बंगला जी दरबार में कि सुंदर साथ इन आंखों से राज्य के प्रत्यक्ष दर्शन करता है। श्री देवचंद जी के तन से सब सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं लेकिन श्रीकृष्ण रूप में दर्शन होते हैं, और महामती जी के तन से जब लीला होती है तो सभी रूपों में दर्शन होता है, कभी देवचंद जी के रूप में दर्शन होता है, कभी युगल स्वरूप के रूप में दर्शन होता है, कभी कृष्ण के रूप में दर्शन होता है, कभी किसी को मोहम्मद साहब का भी रूप दिख जाता है। सुर असुर सबों को ये पति सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साईं जिन्हों जैसा चिन्हिया, जो जिस रूप में उनको पहचानता है उस रूप में उनको दर्शन दे रहे हैं, राज्य उनके साथ लीला कर रहे हैं, किसी तरह से परम धाम की आत्माएं जागृत हो जाए, और जागृत करना श्री जी को सबसे अधिक अभिष्ट है। महाराज को कुछ पता नहीं रहता, उनके तन में बैठे हुए अक्षरातीत का आवेश वह रूप धारण करता है और सबको दर्शन देकर सबकी चाहना को पूर्ण करता है। अब दिल्ली में भी आप सुनेंगे, बीतक में प्रसंग आएगा, प्रेम जी नाग जी संग जी भेजते हैं बिहारी जी मिहराज को समझाने के लिए, और जब वो देखते हैं कि मिहराज जी की जगह पर सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी बैठते हैं तो उनको प्रबोध हो जाता है कि नहीं, वास्तविक लीला तो श्री जी के स्वरूप में हो रही है, बिहारी जी महाराज के पास तो केवल रुई की गादी के सिवा अन्य कुछ भी नहीं।